ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये संदिग्ध की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। मुंबई में गोली मारकर हत्या की गई बाबा सिद्दीकी की, और जो बीच में ये शख्स नजर आ रहा है वो इस मामले का संदिग्ध बताया जा रहा है। अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ घटनास्थल से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अश्विन, जरा तस्वीरें दिखाइए और कैसे ये वारदात हुई, अगर आप तक जानकारी पहुंची है, घटनास्थल को देखकर क्या लग रहा है? जी देखिए, करीब 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी यहाँ से गुजर रहे थे, यही वो रोड था जहाँ से आगे की तरफ बाबा सिद्दीकी जा रहे थे, और उसी वक्त 3 लोगों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू की। जो 3 लोग थे उनमें से 2 लोगों को उनके साथ मौजूद जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने पकड़ लिया, एक अभी भी फरार है। आपको आगे की तरफ हम तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर फायरिंग हुई है, वहाँ पर अभी भी गोली के जो शेल्स हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी जगह पर बाबा सिद्दीकी जब पहुंचे थे तब उन पर फायरिंग होनी शुरू हुई, और अभी भी देखिए जो उसके निशान हैं आप साफ तौर पे देख सकते हैं। डीसीपी का कहना है कि करीब 9:30 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया, 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। ये 2 लोग किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं, आखिरकार उन्होंने फायरिंग क्यों की, किन लोगों से वो जुड़े हुए हैं, इन सब मुद्दों पर फिलहाल अभी पुलिस बात नहीं कर रही है। लेकिन एक तरह से जो अलग अलग शक जताया जा रहा है वो ये कि हो सकता है कि कोई बिजनेस राइवलरी हो बाबा सिद्दीकी की। ठीक है अश्विन, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। हमारे साथ अश्विन पांडे इस वक्त घटनास्थल से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार बता रहे हैं कि किस तरह की वहां पर स्थिति है। अभी अश्विन, वारिस पठान कह रहे थे कि बांद्रा जैसा इलाका और एमएलए के दफ्तर के नजदीक में यह वारदात हो जाना है, जरा दिखाइए इलाका किस तरह का है। मैं आपको पूरे इलाके का एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए यहां पे ये पूरा बेहद ही चौड़ा रोड है, बिजी रोड होता है, यहां से स्टेशन जो बांद्रा या फिर खार स्टेशन जाने के लिए भी रास्ता है, और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूं, ये वो हिस्सा है जो देखिए पुलिस ने फिलहाल अभी पूरी तरह से यहाँ क्राइम सीन को प्रिजर्व कर दिया है ताकि कोई अंदर ना जा सके। इस तरफ से, जिस तरफ मैं आपको कैमरा दिखा रहा हूँ, इस तरफ से बाबा सिद्दीकी अपने कुछ लोगों के साथ हाईवे की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान जो लोग पहले से ही उन पर घात लगाए बैठे थे ऐसे 3 आरोपी, उन्होंने आकर सीधा फायरिंग करनी शुरू की। 5 गोलियों के जो अश्विन, क्या बाबा सिद्दीकी गाड़ी में थे अपने या फिर वहां पर टहल रहे थे, क्या था जरा बताइए, गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे? जी देखिए, जानकारी है कि बाबा सिद्दीकी उस वक्त यहाँ पैदल जा रहे थे जी। कुछ लोगों के साथ, और अचानक जो पहले से ही घात लगाकर बैठे लोग थे, जो पहले से ही आज हो सकता है कि बहुत देर से वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हों कि बाबा सिद्दीकी कब जो है ऐसे कंडीशन में आए जब उनके पास के आसपास सुरक्षा कर्मी ना मौजूद हों और उन पर फायरिंग करी जाए, और यही हुआ जब यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर आपको दिखा दें, अंधेरा जो है, अंधेरे जैसी स्थिति है, यहाँ पर लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं है, और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर 9:30 बजे उन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। देखिए ये जो स्ट्रीट लाइट है ये अभी भी बंद है, यानी कि ये अंधेरे का उन्होंने फायदा उठाया और तत्काल फायरिंग करनी शुरू की। इसके बाद जो सुरक्षा कर्मी उस वक्त बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद थे उन्होंने आरोपियों को दौड़ा लिया, 2 लोग जो है पूरी तरह से पुलिस कर्मियों के कब्जे में आए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है किस गैंग से लोग ताल्लुक रखते हैं, आखिरकार उन्होंने बाबा सिद्दीकी को अपना टारगेट क्यों बनाया, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं आया। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन 2 थ्योरी हम आपको बताना चाहेंगे। एक तो चूंकि बाबा सिद्दीकी कंस्ट्रक्शन के काम से भी जुड़े रहे हैं तो क्या ये कोई प्रोफेशनल राइवलरी थी, साथ ही राजनीति से चूंकि बहुत लंबे समय से बाबा सिद्दीकी रहे हैं क्या ये कोई राजनीतिक राइवलरी है, या फिर क्या बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी दोस्तों में से हैं, तो क्या सलमान खान के साथ दोस्ती के चलते जो बिश्नोई गैंग है क्या उसने ये हमला तो नहीं किया। ये शक इसलिए भी पैदा होता है कि जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि आरोपी जो फायरिंग करने वाले पकड़े गए हैं ये महाराष्ट्र से नहीं है, ये सूत्रों से पता चला है, आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी नहीं हुई है, ये हरियाणा के बताए जा रहे हैं। और जाहिर है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में किस तरह से बिश्नोई गैंग का पैठ रहा है, गोदारा गैंग की पैठ रही है, ये किसी से अछूता नहीं रहा है। आपको ये भी बता दें कि कुछ महीनों पहले ही सलमान खान के घर
पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी बाहर से ही गैंगस्टर आए थे, उनको बकायदा सुपारी दी गई थी सलमान खान के घर पर। सुन चुकी आपने, चुकी आपने इस घटना का जिक्र कर ही दिया है सलमान खान वाली का, उसी वक्त जब सवाल पूछे गए थे पुलिस से, सवाल पूछे गए थे सरकार से, तो उन्होंने कहा था कि ये एक घटना हुई है, इसके बाद हम ज्यादा सतर्कता और सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद सीधी इतनी बड़ी वारदात, अब ये वही गैंग है कि नहीं है ये अलग बात हो गई, लेकिन एक शूटर्स का गैंग वहां पर पहुंचता है और बाबा सिद्दीकी जैसे एक सेलिब्रिटी की या कहिए या एक बड़े नेता की जिसका महाराष्ट्र मुंबई की पॉलिटिक्स में दखल रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बड़ा सवाल मुंबई पुलिस के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर है कि मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा होता है, मुंबई पुलिस से जवाब जो है बनता भी है और गृह मंत्री से भी लगातार राजनीतिक इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों संभाली नहीं जा पा रही है। ये जो घटना है यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के ऊपर फायरिंग हुई है जिसके पास पहले से ही पुलिस सुरक्षा थी, ऐसे में सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे, क्यों उन्होंने इस घटना को रोक पाने में पूरी तरह से असमर्थ रहे। Z News.